सामने आप देख पा रहे हैं लाल अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है प्रेगनेंसी नूतन पंडित। तो ये जो है बेसिकली ये किताब है आपके समक्ष, आपके सामने मैंने रखी हुई है। किताब का नाम देखे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन प्रेगनेंसी बाय नूतन पंडित जी। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, खास तौर से उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जो अभी पेरेंट्स बन रहे हैं। तो थोड़ा सा किताब के बारे में देखें ज़रा। ये इनकी ऑथर साहिबा हैं नूतन पंडित जी, जो कि ग्रेजुएट हैं सोशियोलॉजी में मुंबई यूनिवर्सिटी से। उनके बाद उन्होंने डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में, और उसके बाद जो है ये गंगाराम हॉस्पिटल फोर्टिस ला फेमे और काफ़ी सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स में पढ़ाती रही हैं, और काफ़ी लंबे समय से ये जो है बर्थ प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई हैं। इसकी जो राशि आप देख सकते हैं, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 195 रुपीज़, मात्र 200 रुपये की किताब है, rupapublications.com। और बहुत ही खूबसूरत किताब है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में, ताकि आप और मैं समझ पाएँ, इस तरीके से इस किताब को समझाया गया है। हालांकि ये किताब मैंने ली थी 3 साल पहले। इस किताब की भी अजीब कहानी है, हम 3 साल से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे थे, तो तब ली थी मैंने पढ़ने के लिए। फिर मैंने आधी किताब पढ़ी, फिर आधे में मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने बंद कर दी, क्योंकि हमें मिसकैरेज हो गया था, फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैं रुक गया वहाँ पे। उसके बाद अभी 3 साल बाद हमें बीबी हुआ है, तो मैंने सोचा कि प्रेगनेंसी के दौरान इस किताब के पन्ने मैंने वापस जो है कुछ पलटे, और मैंने जो किताब जहाँ से ख़त्म की थी वहाँ से वापस शुरू करी। आप देख सकते हैं कंटेंट सेक्शन में 7 चैप्टर्स हैं, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, लेबर एंड आफ्टर, यू एंड द बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग, ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स फॉर मदर्स एंड बेबीज इंडेक्स। करीबन 150 पन्ने, 160 पन्ने की किताब है ये, और बहुत खूबसूरत किताब है। मैंने जैसे जो मुझे ठीक लगती हैं अच्छी चीज़ें, जो नई चीज़ें लगती हैं, वो मैं इस तरह से पेंसिल से अंडरलाइन करते रहता हूँ। जैसे आप देखें ये सवाल है यहाँ पे, आई बर्प वेरी लाउडली इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में मतलब मैं गैस बहुत ज़्यादा छोड़ती हूँ। तो इनका जवाब इन्होंने लिखा है कि बर्पिंग डिपेंड्स एंटायरली ऑन द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन स्वेलोज। बर्पिंग जो है डकार जो इंसान मारता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितनी हवा अंदर स्वेलो करते हैं। अगर आप बहुत तेज़ गति से खाते हैं, बहुत गप 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 करके फटाफट खाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एयर जो है अंदर स्वेलो करते हैं, तो आप उस हालात में आप जो है बर्प ज़्यादा करेंगे। एक और छोटा सा सवाल देखें यहाँ पे, शुड वन ईट घी इन लेट प्रेगनेंसी। तो जवाब लिखा है कि 9वें महीने में जो है जो शिशु होता है, बच्चा होता है, वो वेट गेन करता है, तो उस दौरान अगर आप घी खाएंगे तो बच्चे के वेट के लिए अच्छा है। 1 टेबल स्पून घी में अंदाजन 15 ग्राम कैलरीज होती हैं, जो परमिटेड अमाउंट घी है 30 से 45 ग्राम अ डे घी आप खा सकते हैं, ये कहा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हैदराबाद में है। तो इस प्रकार से काफ़ी 100-150 इसमें सवाल जवाब हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो न्यू पेरेंट्स, जो मम्मी पापा बन रहे हैं, मैं बना तो मैंने सोचा चलें किताब को पढ़ा जाए, क्योंकि इल्म से बेहतर कुछ नहीं है, किताब से बेहतरीन दोस्त कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।